दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर एक नया फीचर आया है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के इसी फीचर के बारे में बताने वाला हूं। बहुत ही कमाल का फीचर है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि हमें व्हाट्सएप पर कोई भी व्यक्ति अपने ग्रुप में बिना हमारी इजाज़त के हमें अपने ग्रुप में ऐड कर सकता था, लेकिन अभी व्हाट्सएप में एक ऐसा फीचर आया है जिसके द्वारा अब हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन ऐड कर सकता है। जैसे कि अगर हम नोबडी कर देते हैं तो कोई भी व्यक्ति हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता है। इसके अलावा हमें एक ऑप्शन और मिलेगा, जैसे माई कॉन्टैक्ट्स। अगर हम माई कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट कर देंगे तो उसके बाद जिन लोगों के नंबर हमारे मोबाइल में ऐड है सिर्फ वही अपने ग्रुप में हमें ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम एवरीवन कर देते हैं तो पहले की तरह कोई भी हमें अपने ग्रुप में ऐड कर सकता है। तो बहुत ही कमाल का फीचर है, ये उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा जिनको बहुत से लोग बिना उनकी इजाज़त के अपने ग्रुप्स में ऐड कर लेते हैं और उनको ग्रुप में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ना हो। तो अगर आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होना पसंद नहीं है तो ये फीचर आपके बहुत ही काम का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इस फीचर के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस फीचर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा। तो व्हाट्सएप को अपडेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको सर्च करना है व्हाट्सएप, उसके बाद आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को अपडेट करना है। यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अपडेट करने के बाद आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है, ठीक है। तो ओपन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो है व्हाट्सएप पर यहाँ पर देखिएगा 3 डॉट्स मिलेंगी, तो आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है सबसे पहले, और उसके बाद आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी क्लिक कर दें, और उसके बाद अकाउंट्स पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर प्राइवेसी, ठीक है। और प्राइवेसी के अंदर यहाँ पर देखिए आपको एक अलग से ऑप्शन मिलेगा ग्रुप्स का, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है एवरीवन, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी व्यक्ति ऐड कर सकता है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है माय कॉन्टैक्ट, अगर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे मोबाइल में जिन जिन लोगों के नंबर ऐड हैं सिर्फ वही व्यक्ति अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है नोबडी का, अगर हम इसे सिलेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति हमें व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का फीचर है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, ये उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो काफ़ी हेल्पफुल फीचर है आपके लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।